एवरीवन, आई एम शाइस्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक हैप्पीनेस विद शाइस्ता। सो आज हमारा टाइगर कैंप रिजॉर्ट में आज सेकंड डे है और आज हम बहुत सारी मस्ती भी करने वाले हैं। सो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज हमारा जिम कॉर्बेट में सेकेंड डे है टाइगर रिजॉर्ट में और अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। और रियान फर्स्ट टाइम आज स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं तो रियान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए फिर चलते हैं हम। रियान के एक्साइटमेंट लेवल तो आप लोग देख ही सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है पूल में जाने के लिए। और रियान के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हम लोग फर्स्ट टाइम पूल में जाने वाले थे और रियान के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, तो इतना तो एक्साइटमेंट लेवल होना उनके लिए लाजमी है। तो अभी रात का टाइम हो चुका है और हम यहाँ पे डिनर करने के लिए आ चुके हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और चलिए देखते हैं पहले कि हमारे लिए डिनर में आज क्या क्या बना हुआ है। की जो सबसे ज़्यादा खास बात पसंद आई वो ये थी कि डिनर के टाइम पे यहाँ रात में लाइव म्यूज़िक चलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में और इसके साथ ही आपकी पूरी शाम बन जाती है। तो ये है दानिश अख्तर और इनका इंस्टाग्राम पे पेज है दिशु म्यूज़िक के नाम से, आप इनको ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा, इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो मेरी शाम तो बहुत अच्छी हो गई और आप भी आइए और अपनी शाम को अच्छा बनाइए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि रियान की हरकतों से पता चल रहा है कि आज हम जंगल जाने वाले हैं क्योंकि छोटा मंकी हमारे साथ है। सो अभी हम सफारी के लिए निकलने वाले हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर भैया का कि वो जब आएंगे तो हमें कॉल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे सफारी के लिए। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम यहाँ सुबह सुबह उठ के अभी मॉर्निंग वेदर बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरा बेटा हैंडसम रियान बेबी। सो मॉर्निंग के टाइम पे जो चिड़ियों की आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है सुनने में और सुबह में अगर आप उठते हैं तो एक नज़ारा ही आपको अलग देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। आगे चलिए।
लिए जो जोन चूज किया था वो गर्जिया जोन था और हम यहाँ सेकेंड टाइम आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमें कुछ खास यहाँ देखने को नहीं मिला था, तो इसी उम्मीद में हम यहाँ सेकेंड टाइम आए हैं कि इस बार हमें शायद कुछ यहाँ देखने को मिल जाए। के बीच में कहाँ पे? अरे ये पेड़ है ना। हम यहाँ इसलिए रुके हुए हैं कि शायद हमें यहाँ पे लेपर्ड देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारे साथ जो गार्ड आए हुए थे उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ शायद कोई लेपर्ड है। सो फिंगर क्रॉस और देखते हैं कि हमें क्या दिखता है यहाँ पे। सही देखा आपने, बहुत बढ़िया। फोन में वो नहीं आएगा, थोड़ा सा बचे आगे क्या बस 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 ये लेपर्ड है। अरे हाँ यार, ये क्लियर दिख रहा है। किस्मत अच्छी थी। सो फाइनली हमें यहाँ पे एक लेपर्ड देखने को मिल गया और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानने लगे कि हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे वो हमें देखने को मिल गया। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो लेपर्ड हमारा ही वेट कर रहा था कि हम वहाँ आएँ और उसे देखें, उसके बाद वो अपने आप ही वहाँ से चला गया। बच्चा है ना, तो देखा बच्चा बन गया था। और ये है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना, तो इनसे ले लेंगे। ये काफी क्लियर है। कुछ चल खड़ा था वो। सो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। सो अभी हम यहाँ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि सांबर जो है वो कॉल कर रहा है, और वो कॉल तभी करते हैं जब उनके आसपास जो है वो टाइगर या टाइगर के बच्चे होते हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि शायद यहाँ आसपास कहीं टाइगर है, तो देखते हैं क्या होता है। हमने काफ़ी टाइम तक वहाँ वेट किया पर हमें टाइगर नहीं दिखा। खैर कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट जो है पहाड़ों में नहीं चढ़ते ना, खड़े खड़े जो पहाड़ होते हैं एलिफेंट वहाँ भी चढ़ जाते हैं। ये तो उसकी टेरिटरी है, उसका एरिया है, क्योंकि उसमें नीचे पानी पीना है ना, तो नीचे जाएगी ही जाएगी चाहे कुछ पानी पीने लगे। तो गाइस अब हमारा सफारी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखा। और इसके साथ ही जब आप ज़ू में किसी एनिमल को देखते हैं उसकी फीलिंग और जब आप जंगल में किसी एनिमल को देखते हैं उसकी फीलिंग बिल्कुल ही अलग होती है, तो आप ये ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। काफी अच्छा रहा और फाइनली हमें जो है एक लेपर्ड भी देखने को मिला, तो हम काफी एक्साइटेड है। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय लक।
गाइस ये था हमारा जिम कॉर्बेट में टाइगर कैंप रिजॉर्ट का एक छोटा सा टूर। आई होप कि आपको ये टूर मेरा काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और रियान को भी देखने के लिए। सो गाइस फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दीजिए, बाय। फाइनली साइस्ता परवेज फिर अपने किचन संभालने जा रही है, वहाँ दूध दही खाना रोटी सब्जी बनाई है रोज। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे मज़े ले रहे हैं कि चलो बहुत घूमना हो गया, आप घर चलते हैं और चल के घर संभालो। खैर घर तो हमेशा ही संभालना है। सो गाइज ये था मेरा वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।